हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली 12th के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है ऑफिशियली। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो भी इसकी ऑफिशियल डेट डिक्लेयर होती है मैं आपको क्या करूँगा, ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास में सीट नंबर नहीं है, बिकॉज कॉलेज में काफ़ी बच्चे नहीं गए रहेंगे और उनको हॉल टिकट नहीं मिला रहेगा, तो सीट नंबर कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा। प्लस आपको एक और बेनिफिट दे रहा हूँ, कल 4 बजे जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, 4 बजे, जी हाँ आपने जो सुना है एकदम ठीक सुना है, आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर होने वाला है 3rd अगस्त 4 PM, डेट मीन्स 3 अगस्त ओके ट्यूजडे को आने वाला है, और ये इस बार 4 बजे होने वाला है। नॉर्मली हमेशा रिजल्ट है ना 1 बजे आता था, लेकिन इस बार का जो टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दिया गया है, इसको कितने बजे कर दिया गया है, 4 o'clock, याद रखना आपका रिजल्ट 4 बजे आने वाला है, वही सेम टाइमिंग पे। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब पे, मैं लाइव आके आपके जितने भी प्रॉब्लम रहेगी, जो भी आपका रहेगा डाउट्स, मैं क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। इस वीडियो में आपको मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि आप अपने सीट नंबर को कैसे फाउंड आउट कर सकते हो, तो उसका वीडियो पूरा एंड तक देखना, तो आप अपने सीट नंबर को क्या कर सकते हो, एकदम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके सभी स्टूडेंट्स के साथ में क्या करना है, आपको शेयर करना है। और ये जो 3rd अगस्त डेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि 4 बजे रिजल्ट आने वाला है, ये ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ मैम ने अपने ट्विटर हैंडल पे क्या किया है, ट्वीट करके बता दिया गया है कि सभी 12th के स्टूडेंट्स का इंतज़ार खत्म हुआ और 3 अगस्त को क्या कर सकते हैं, वो अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो देखो तो आपको वीडियो में पता चलने वाला है कि कैसे आपने अपना हॉल टिकट डाउनलोड, डेट मीन सीट नंबर क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो। 4 बजे भूलना मत, 4 बजे ट्यूजडे को ऑनलाइन आऊँगा, खाली 12th के स्टूडेंट्स अगर उसमें ज्वाइन होगी तो अच्छा होगा। ओके, तो प्लीज़ आप क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो आप क्या कर सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते, और ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को एडवांस में बैकिंग, क्योंकि सभी बच्चे क्या होने वाले, इस बार पास होने वाले, देखते हैं खाली परसेंटेज क्या आता है। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। सो आपके सामने स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रही होगी, ठीक है, mh/hsc-hsc.ac, तो ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, जिसके थ्रू आप जाना है। देखो, अगर आपको आपका सीट नंबर याद नहीं, लेकिन अगर आपने 12th का फॉर्म भरा है, तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो जैसे मैं यहाँ पे सब करता हूँ मुंबई सब अर्बन 2, देन तालुका आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, वेस्ट है, ये दो चीज़ तो सभी को बताएं। आपका नाम, जो आपका नाम है, जैसे लास्ट नेम फर्स्ट नेम, आपको जो पुटअप करना है वो पुटअप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करता हूँ भोले, अगर आपका सरनेम भोले है, जो भी है, अगर आपका नाम लिखोगे तो भी आपके नाम के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना, वो सभी आ जाएंगे, ठीक है। देखो सर्च का मैं अगर ऑप्शन बताता हूँ तो ये तो एंटर नहीं हो रहा, तो आपको दूसरा कुछ करना होगा। तो फॉर एग्जांपल अजय, तो अजय तो नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इसके लिए मैं अजय डाल के देखता हूँ। ठीक है, देखिए तो ये नॉर्मली यहाँ से एम वार्ड से, जैसे मैंने जो सब एड्रेस डाला उसके हिसाब से आप अपना क्या कर सकते हो, सीट नंबर चेक कर सकते हो। आप अपना पूरा नाम आपको चेक करना है, तो आपको जो भी दिखेगा तो आपके नाम के आगे क्या रहेगा, सीट नंबर होगा, जो जो अजय के नाम के होंगे तो वो, अगर आप अपना पूरा नाम डालोगे तो पूरे नाम के साथ में आप क्या कर सकते हो, अपना सीट नंबर सर्च कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत इजी है अपना सीट नंबर फाइंड आउट करना, ये साइट ओनली फॉर स्टूडेंट्स को इस बार मिली है, बिकॉज उन लोगों को काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या नहीं मिला है, हॉल टिकट नहीं मिला है। तो जैसा आपको मैंने बताया वीडियो में, आप कल 4 बजे क्या कर सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो लाइव ऑनलाइन, ठीक है। तो भूले ना, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैं आपको 4 बजे लाइव मिलूंगा और यूट्यूब पे। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जिसके पास में हॉल टिकट नंबर नहीं है तो क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है अपना सीट नंबर यहाँ से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।